सत श्रीकाल नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप एडवीजा के यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ चेतन जी हैं और चेतन जी का बैन हो गया था यूके का, तो वो बैन तुड़वा के फिर इनका वीजा जो है वो ग्रांट हो चुका है। अभी चेतन जी कैसा फील हो रहा है, पहले तो बताएं। बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, आपकी वजह से वीजा। नहीं जी, थैंक यू, आपने ट्रस्ट किया। और चेतन जी एक्सपीरियंस थोड़ा बताएं कि कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस। सर बहुत अच्छा रहा, जैसे कि मैंने वीजा पटियाला से लगवाया था अपना, पहले जो फर्स्ट प्रोसेसिंग करवाई थी जी, उसके बाद मेरा जनवरी में 15 जनवरी को मेरी आ गया था रिजल्ट, तो उसमें बैन लग गया था मेरा। ठीक है, तो मैंने यूट्यूब पे फिर देखा कि इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा जी, तो 3-4 जगह मैंने कॉल किया, फिर वहाँ पे मैंने आपका भी देखा कि आपने औरों के करवा रखे थे, जो ओवरटर्न होते हैं जी, तो करवा रखे थे आपने, तो फिर मैंने यहाँ पर आके विजिट किया। हाँ, तो इनके पास आया, इनसे मिलके फिर बात करी, फिर सब बताया इनको, इन्होंने फिर उसको स्टडी करके फिर इन्होंने मेरा काम करवाया। वो डॉक्यूमेंटेशन में भी कुछ कमी थी, वो जब इनकी फाइल आई थी तो देखा था मैंने, मैंने यही इनको बोला था उस टाइम चेतन भाई के, बैन तोड़वा सकता हूँ, वीजा की गारंटी नहीं दूंगा, यही मैंने इनको उस टाइम बोला था। उसका रीजन ये था दोस्तों कि इनकी जो फाइल लगी थी ना, उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन थे ही नहीं है, टूरिस्ट वीजा अप्लाई हो रहा है और एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स लगे हुए थे, तो वो चीजें कुछ भी मैच नहीं हो पा रही थी। इनका होटल है वहां पर, लेकिन होटल के कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थे उसके अंदर, कोई प्रूफ नहीं था, कुछ भी नहीं था उसके अंदर, तो पहले जहां से लगवाई थी उन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था, नहीं लगाया नहीं था उन्होंने बिल्कुल। तो ये क्या होते हैं ऐसे, फाइलिंग के लिए भी सजेस्ट करूंगा, जो फर्स्ट फाइलिंग है वो भी आप उनसे लगवाएं। तो वो इसमें ये फर्क पड़ जाएगा दोस्तों कि हम लोगों को ये पता है कि एक्सपीरियंस की बात है, हम लोगों को ये पता है कि वो किस चीज को पकड़ के रिफ्यूज कर सकते हैं, तो वो पहले ही हम उसको क्लियर कर लेते हैं। अब इनके अब मुझे ही पता है कि इनकी जो फाइलिंग थी उसमें मतलब पापड़ बेलने पड़े हैं मुझे, जिसको पापड़ बेलने ही बोलूंगा, बहुत सी चीजें थी जो मैंने इंटरनेट से निकाल निकाल के, जैसे इनके होटल का था वो सारा किया है, तो काफी चीजें फिर मुझे प्रूफ बताना पड़ा कि ओपन सोर्स पे अवेलेबल है, ये है वो है, वो एक टेक्निकल चीजें थी जो मैंने डाली थी उसमें। खैर वो उन्होंने देखा और उस चीज को एक्सेप्ट किया, बाद में इनको वीजा वो ग्रांट कर दिया था। एक चीज में और कहना चाहूंगा, YouTube पे मैंने और भी लोग देखे थे जो इन सब चीजों में डील करते हैं जी। उनके प्राइजेस और सर के प्राइजेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, मतलब बहुत नॉमिनल से प्राइजेस में सर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, मतलब सर के पास आके हमारा काम जी, जी, हो गया जी, जी, जी। तो थैंक यू। हाँ, प्राइजेस का भी यही है कि प्राइस काफी फर्क है प्राइजेस के अंदर भी, और यही चीज अगर मैं बात करूं कि अगर इसी चीज को कोई यूके से करे तो 1,00,000 pounds उनकी फीस होती है, जलंधर में मेरे ख्याल कोई 25 पहले 25 बाद में कुछ इस तरह से भी है उनके, 50,000 का पैकेजेस हैं, यहाँ तो बहुत नॉमिनल है। अगर आपका रिफ्यूजल है सिर्फ तो फिर हम 10,000 ले रहे हैं, अगर बैन वाला केसेस है तो 15,000 हमने किया हुआ था, डिपेंड करता है केस टू केस पे। कई बार क्या होता है कुछ केस में हार्डवर्क ज्यादा होता है तो उसके थोड़े बहुत प्राइसेस बढ़ेंगे, कोई ये नहीं है कि 15 से वो सीधा 25 पे चला गया या 20 पे चला गया, तो नॉमिनल से चार्जेस हमने रखे हैं। फाइल की जो शुरू की फाइलिंग है उसमें भी हमने बहुत नॉमिनल चार्जेस रखे हुए हैं। फिर दूसरी अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंस की, बात है कि एक्सपीरियंस में फिर हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस तो है कि वो क्या चीज पकड़ेंगे और क्या नहीं पकड़ेंगे, तो उनके डॉक्यूमेंटेशन हम पहले पूरे कर लेते हैं। वीजा 100% नहीं होता, पहले बोल के चलता हूं भाई, ये सोच के कभी मुझे काम मत देना कि 100% वीजा होगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ फाइलिंग कर सकते हैं, वीजा देना ना देना एम्बेसी के हाथ में है, हम लोग लड़ सकते हैं आपके लिए, लेकिन कलम उनके हाथ में, जो लिख दिया वो लिख दिया, तो हम लोग ये नहीं बोल के कभी। बट इनकी प्रेजेंटेशन जो थी वो बहुत अच्छी थी उसमें, तो वीजा हाँ, बस वही एक फर्क हो जाता है कि हम लोग केस को पहले स्टडी करके उसको हर डॉक्यूमेंट्स को पहले क्लियर कर लेते हैं कि ये चीज हमें चाहिए होती है, ताकि उनके पास कोई मौका रहे ही ना रिफ्यूज करने का। बाकी आपका ट्रस्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी, अभी आप जा रहे हैं घूम के आने के लिए। हाँ जी, मेरी 4 फ्लाइट है, तो बढ़िया है, हम तो कहते हैं घूमो फिर घूम करके आओ और फिर एक्सपीरियंस वहीं से वीडियो में भेज देना, कैसा रहा कैसा नहीं। बाकी सभी का प्यार देने के लिए धन्यवाद है, और जो इतना ट्रस्ट किया भाई उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू।